नमस्कार। क्या बात है सर जी? अरे 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 सर जी, चेहरे को फाड़कर कान तक पहुंच गई आपकी मुस्कान। सच कहें तो असल मुस्कान यही है जिसे ठहाके में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और खुले बस जानवरों तक को डरा देने वाला उन्मादी ठहाका। कहीं आप मुस्कुराते रहो इंडिया का विज्ञापन तो नहीं कर रहे हैं क्या? आपको उससे कोई संबंध नहीं है तो ये लीजिए, गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं प्रवीण कुमार पांडे बोले। भाई इनके पिताजी का नाम बताना। क्या नहीं लिखा? अरे भाई पिताजी का नाम, अरे लोग तो बात बात पर पिताजी का नाम लिखाते हैं। मेरे पिताजी ये थे, मेरे पिताजी। अच्छा ठीक है भाई, मैं प्रवीण कुमार पांडे वाले छत्रमण प्रसाद पांडे अपने पूरे होशो हवास के साथ शपथ पूर्वक कथन करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई साहब आप तो टेंशन में आ गए। दरअसल मैं ये अपने लिए बोला है, ऐसा लोग दो ही जगह करते हैं, पहला तो कोर्ट में और दूसरा जब पिंडदान करते हैं। भाई साहब मैं ये अपने लिए बोला था, आपको परवाह नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं करता और वो भाई साहब भी नहीं करते है ना, भाई साहब आप परवाह नहीं करते ना। लेकिन इससे एक बड़ा खतरा बना रहता है, आपको लोग बेपरवाह निछल्ला निकम्मा ना जाने कैसे कैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए। वाह सर जी, जैसे मैंने अपना नाम दिया तो भाई साहब का उतावलापन तो देख लिए, सारी श्रवण शक्ति मेरे तरफ केंद्रित हो गई। अभी इनका नाम दिया होता ना तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अमता जगकी पार्वती पिता। भाई साहब हम तो डूबेंगे सर, हम आपको भी ले डूबेंगे वाली हालत। आप आपके लिए भी तो कौन कौन शब्द का प्रयोग कोई करते होंगे निठल्ला निकम्मा जैसे मेरे लिए है। सच कहूं भाई साहब तो जीवन में घटने वाली एक आध घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका ध्यान करके चेहरे में अनायासी मुस्कान व्याप जाती है। जैसे मेरा ही देख लीजिए, एक घटना टोपी की, उस टोपी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस दिन जब मैं अपने घर से मोती मिस्त्री के गैराज की तरफ चला तो मुझे इस बात का अंदेशा भी नहीं हो सकता था कि दिन आज मेरे साथ क्या खेल कर गुजरेगा। वैसे भी साहित्य निकालना और भाग्य बांचना तो पोथी पतराव वाले पंडित जी का काम है, जो इन दिनों सिर्फ पदाकांक्षी नेताओं के घरों में यज्ञ कराते और मंत्र फूंकते नजर आते हैं। फिर मेरे जैसे आम जिंदगी में सामान्यता अप्राकृतिक उछाल की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। समय तो लगातार ढीला ही चल रहा था और सबसे पहले तो कथा कंपनी की साल भर की ड्राइवरी से अचानक जवाब मिल गया था। कत्थे की चोरी पर कारखाना चलता था और खैर की चोरी पर कामगारों का खर्चा पानी कि वन विभाग पे एक वन मानुष टाइप का अफसर आ गया। इधर चोरी की खैर कटनी कम हुई, उधर कंपनी ने छटनी का नोटिस आ दिया और 20 कामगारों के साथ मैं भी गेट के बाहर। अरे मुझे काहे नौकरी से निकाले यार, अरे साल भर की ड्राइवरी से अचानक, अरे मैंने कभी कभी मौका दिया शिकायत का? अरे मेरे बीवी बाल बच्चे क्या खाएंगे यार, भूखों मर जाएंगे।
अरे कुछ कुछ भी तो कम। हाँ, यूनियन की दया से रिट्रेचमेंट बेनिफिट के नाम पर ये वर्दी जरूर मिल गई थी। बुझा बुझा सा घर लौटा था और ओसारी में पसर गया। डिलीवरी से लेकर बिछौना तक सब काम में कंडक। मेरे छटनी की खबर बछिया सी झोंक मारती मेरे घर में मुझसे पहले ही पहुंच गई। मेरी कटकटाहीन औरत ने दोहरे दांत कड़ाए थे। जैसे ही घर में पहुंचा बोली, मेरे मामू दारू चुराते हैं, जीएसटी से पूरा जान पहचान है, सुनते हैं सिपाही में बहाली चल रहा है, नहीं बुझाया? ये कैसा लबड़ धोधो से पाया पड़ा है रे भगवान। मेरा पैर रोड़े में लटपटा गया। औरत की तीखी आवाज भीतर तक रह रहकर कानों में किस्त से गूंज जाती। मामा जी इलाके के पुराने लतखोर हुआ करते। लतखोर मतलब समझ रहे ना आप लोग, पहले लात फिर बात। अरे मामा जी को कोई भी आता तो दुलत्ती मार के अब कहता मामा जी ये कर दो, मामा जी बड़े प्रेम से करते। जब से दारू का धंधा चालू किया तब से थोड़ी बहुत समाज में प्रतिष्ठा भी पाने लगे। मामा जी के साथ मैंने डीएसपी साहब के न जाने कितने चक्कर काटे। डीएसपी साहब ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मामला उनकी औकात के बाहर का, और शिकार खुद से चल कर आए तो उसे छोड़ना परम मूर्खता ही नहीं बल्कि पाप भी कहलाएगा। डीएसपी साहब ने मेरे चेहरे पर उड़ती नजर डाली। मामा जी से आखिर में कुछ बात की, खखार कर गला साफ किया और बोले, सलामी का धर लो 5,000, फाइनल बहाली अगर जो हुआ तो 10,000 का फीस, कुल 15 का इंतजाम कर लो। ठीक है, 15 का इंतजाम कर लो। 15,000, वो भी पहला 5,000 का कोई गारंटी नहीं। गारंटी खोजता है, है? तुम्हारे लायक का गारंटी है चपूतिया का लाती? साहब 15,000 फाइनल बहाली पुलिस में है, चल जुगाड़ कर लेना 15,000 का। ठीक है, मामा जी ने मुझे गुरेड कर देखा और मैं हताश होकर वापस घर लौट आया। और ऊपर से दुर्भाग्य ये कि न जाने कैसे परिजनों में चर्चा तेजी से फैल गई थी कि मेरी पुलिस में बहाली तय हुई। तब से लोग बात बात पर पूछने लगते थे, लग गई। तब से लोगों की बेबात पूछताछ
पीछे के अंग विशेष में मिर्चाई सारी खिल जाती थी, इसलिए मैं लोगों से कटा कटा सा रहने लगा, कोई काम नहीं था। सो पुराने यार मोती मिस्त्री के मोटर गराज में दिन गुजारने लगा। चाय नमकीन के बदले में अक्सर फ्रिंच पिचकस भी उठा लेता था। मोती भाई नट नहीं खुला है, नहीं खुला है। अरे तुम रहने दो भाई, हम खोल लेंगे, तुम टायर साफ कर डालो। ठीक है मोती भाई। चौधरी जी की गाड़ी है ना, जानते हैं चार पुस्त से चढ़ रहे हैं, उनके बाबा दादा नाती चार पुस्त और चढ़ेंगे। अरे एक नई गाड़ी खरीद लेते तो ठीक रहे। वर्दी चेरी कॉट की दैविक्षा से दर्जी ने नाम अच्छा काट दिया था, अच्छा सिला भी, आईने पर देखता हूं तो अच्छा लगता है। जूते जरा बेमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोती भाई का मोटर गराज बाजार भी है। बाजार क्या, छोटा मोटा कस्बा ही है, शहर से 20 मील दूर, स्टेट हाईवे को दोनों तरफ से जकड़ता हूं। कुछ साल पहले तक 10-15 दुकानें थी और ट्रैफिक भी इतना मामूली कि लोग सड़क पर ही खटिया डाल लेते। अरे कीचड़ कांदो से ऊपर ऐसी पक्की चिकनी जगह और कहां मिलती। अब तो सड़क के किनारे का फुटपाथ या शौच पट का जो भी कह लें, भी ईंट गाड़ी के जंजाल से सिकुड़ती जा रही है। लोगों को नित्य क्रियाओं के लिए लंबा बाजार पार करना पड़ता है। अब कस्बा बना तो रंगदार भी पैदा हो गए, ललन झुन्ना बबन बालो। फेरिस्त लंबी है, बचपन से बालों से मुझे डर लगता था। पता है बालों क्या करता था, बाप की छोटी सी परचून की दुकान, मेरे बाप की, और वो रंगदारी वसूलता बालों, हर रात नशे में धुत आता था और जानबूझकर मेरे सामने मेरे बाप को बेइज्जत करता, मां बहन की गालियां लेता और कभी कभी तो लपड़ लपड़। ये सब देखकर मैं रोने लगता था। फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। आज के वक्त में बब्बन सत्ता संघर्ष में देह त्याग चुका है, झुन्ना महीनों से फरार है, ललन अनेक सहधर्मियों की तरह विधायक बनकर शहर में रहता है, बड़े दायरे में खेलता है, लेकिन बालू का टैक्स अभी भी बरकरार। एक दिन मैं मोती भाई के मोटर गराज में बैठा था, काम हो कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं था काम हो, झाट पोछ का सरस सलीली पड़ रहा था। देखा कि ये कुछ लोग बड़ी मशक्कत से एक जीप को ठेलकर गराज की तरफ ला रहे, स्टेरिंग पर डीएसपी साहब पदासीन थे और मामा जी पीछे से धक्का लगा रहे हैं और जोर लगा के हैसा का नाद कर रहे थे। मैंने सरस सरी ससम्मान रख दी और मोती भाई के साथ बाहर देखा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। मोती भाई हुजूर नकीज के गांव में मौज मारने आया था अकेले, जिब्बा खराब हो गया है, थोड़ा सा देख लो। अरे भाई सटने का बढ़िया मौका है, डीएसपी साहब हैं, फायदा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, समझ गए ना। अब बबल और की तरह देखता कहा देख। अरे गाड़ी मैंने झट से मोती ने जीप के कल पुर्जों को टटोलना शुरू किया।
डायनामो बिगड़ गया है। साहब आप बैठिए। भाई तो कहें कि साला ठेल सुबह से ठेल को काहे को हो रहा है, कितना वक्त लगेगा? थोड़ा टाइम दीजिए हुजूर, तो ऐसा बना देंगे कोई शहर में का बनाएगा, 2 घंटे कम से कम। ठीक है, हो गया 2 घंटे। ठीक है, बल्बा चमका कर डेरे पर लेते आओ। मामा जी, डीएसपी साहब ने ऑर्डर देते हुए कहा और राहजनी के अंदाज में चलती गाड़ी को छेक कर लिफ्ट ले ली और चल दी। मामा जी भी हिदायत देकर विदा हो लिए। इधर मैंने ताजे धुले कपड़े उतार कर रख दिए और जीप की सफाई में लग गया। मोती भाई डायनामो से कर संतुष्ट हो गया। जीप के एक एक हिस्से को मैं 2 घंटे तक झाड़ता पोंछता। पहले बाहर की सफाई, फिर अंदर की झड़ाई मिठाई। फिर सामने के शीशे की अखबारी कागज से टकराई। आधे घंटे में मटमैला शीशा बिल्लौर सा चमकने लगा। फिर मोमिया पारिस को हरी जीप पर फैलाया। फिर पीतल के हिस्सों पर ब्रांसों का इस्तेमाल। मैंने गर्व से देखा, पूरी जीप विज्ञापन की तरह चमक रही थी। मोती भाई, गाड़ी झाड़ती है पोछती है? अच्छा, पहुंचाए साहब चाबी लेकर। मैंने कपड़े पहने, हाथ मुंह धोया, जीप पर फिर से कपड़ा मारा। स्टेरिंग पर बैठ गया। डीएसपी साहब की गाड़ी। धक्का लगाओ पीछे से, एक मिनट देखते हैं देखते हैं। बच गए थे। हवा में सेहरन, आज में ठंडी लग रही थी। साल था, साल सिर ढकने की कोशिश की, पर छोटी शॉल थी, सिर खुला ही रह जाता। बगल वाली सीट पर नजर दौड़ाई, एक अफसरी टोपी पीक कैप पड़ी थी। ठंड लग रही थी। मैंने टोपी पहन ली, ठंड लग रही थी और एक्सीलेटर चौराहे के सिपाही ने जोर से तल्लूट मारा और पहले से
से सिग्नल दिए, रिक्शे वाले को लिपट जाते हुए बोला, अबे गाड़ी हटा, साहब की गाड़ी जा रही, अरे अरे गाड़ी हटा, हटा गाड़ी, अबे मरवा नौकरी तो, हटा हटा गाड़ी हटा, सब 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 इधर आओ, दिखता नहीं तुम्हें, हटा गाड़ी। मेरी अचरज भरी निगाहें पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। सिर पर टोपी डीएसपी की थी जो मेरे रंग रूप पर खिल रही थी। तब मुझे पहली बार बोध हुआ कि कमबख्त कथा कंपनी का वर्दी भी खाक की रंग का था, जीप भी सरकारी और सिर पर टोपी डीएसपी की। अजीब सी सनसनाहट का एहसास हुआ, जैसे रक्तचाप बढ़ गया, मुंह में जैसे पहले खून का स्वाद लगा। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और एक्सीलरेटर तेज से दबाया। बाजार के अंतिम छोर पर पहुंच गया। बालों दिखाई पड़ा, बालों के डर से मैंने चेहरा छुपाने की कोशिश की, कहीं देख ना ले, अगर देख लिया तो न जाने कौन सी लहजुबान इस्तेमाल कर देना, कहना मुश्किल है। कतराकर निकल ही रहा था कि उसकी नजर मुझसे टकरा गई। मैंने जीप रोक दी। अबे कुछ बोलेगा? रमई बापू, आश्चर्य घोर आश्चर्य, प्रणाम 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 प्रणाम। हंसता है रे साला भक्तों, धरा सीधे डंडा भाग देंगे। मेरे जीप आगे बढ़ा, मेरा बरसों से जमा गुबार निकल गया। बालो जो बचपन में मेरे बाप को मेरे सामने बेइज्जत करता था, गालियां देता था, आज वही बालों मेरे सामने हाथ जोड़कर स्तब्ध खड़ा था। मेरे दिल को ठंडक मिली, मिजाज फट गया सब का। अब तो बप्पा का दुकान बेचवा कर 15,000 का जुगाड़ करना है बस, और फिर तो सिपाही। उधर मेरा बाप उहापोह में फंसा, घर में ही बैठा था कि चौथी जीप में जो देखा तो अरे बेटवा था कि बहू, ओ बहू, अरे बेटवा का सिपाही में बाहर नहीं हो गया का? अरे सतुरा आके गोड़े नहीं छुआ? सब तुम्हारा जादू है, सब महरारू का जादू है, हमारा चलते नहीं कहीं, सिपाही में बहाली हो गया, गोड़े नहीं छुआ, एक सलीका है या नहीं है? हाँ रुपया उपिया का जुगाड़ कर रहा है कि हमसे पूछते हैं, हमारे मामू को जो कराना था करा दिए, बाकी यहाँ बेटा मोह होता ना सब अपने शरीर धसा लेना है। मेरी कटकटाहीन औरत के आगे कड़कड़ाती गोली बारी, बाप के सामने बाप की बात निरर्थक थी। बाप जाके अपने चार बित्ता की खाट में बैठ गए। उधर मैं गाड़ी को लेकर बीच बाजार में पहुंच गया। यहां से बाजार मुश्किल से 10 मिनट। मैं गाड़ी बढ़ा ही रहा था कि एक रिक्शा वाला, जब तक देखा नहीं था लड़ाने के मूड में था,
होड़ लड़ाने के मूड में, देखने पर घबरा गया। हड़बड़ाहट में पास देते वक्त उसका पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा मेरे गाड़ी के पिछले फेंडर से सट गया। अबे रुक 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 ताला रुक, टोपी चिल्लाए। मैंने बम्पर देखा, कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी रिक्शा वाले को मैंने कट कर 3-4 छापड़ मारे और खोज खोज कर गालियां दी। ताले कमीने कुत्ता दिखता है तुम्हें? चल निकाल 500 रुपया, चल गाड़ी लगा, साइड में लगा, लगा 500। चल लाइसेंस है, गाड़ी नंबर बोल, गाड़ी का नंबर बोल, 500 रुपये निकाल। ये डरना, सीधे थाने बंद कर दूंगा। साहब, ये 300 रुपए हैं साहब, साहब ये साहब साहब इससे ज्यादा नहीं है साहब, साहब माफ कर दो मुझे साहब, साहब 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 ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। चला जा गाड़ी, निकाल जल्दी से निकाल। मैंने उससे 300 रुपए दोबारा दिखना नहीं है और गलती नहीं करना। 20 जूते प्लस 20 मोजे मारे, 20 साहब का बंगला दूसरे छोर पर था। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों को जैसे मैं शहर पहली दफा देख रहा हूं। दुकानों में एक से एक सामान दिख रहे थे, मेरे आंखों में गिद्ध उड़ने लगे। टोपी में लिपटा माथा सुरसुराया। औरत भी चिड़चिड़ाई रहती है, दिन भर कटर कटर कहती रहती है, कुछ सौगात ले चले तो शायद काम बन जाए। चूड़ी देखा ना, टिकुली चूड़िया 20 रुपए का, कितने दर्जन? 20 रुपए की। हरी वाली, हरी वाली तुम लाल वाली, लाल वाली पैक कर देना तुम। हाँ ठीक है, 2 दर्जन। हाँ हाँ 1 दर्जन तुम भी ठीक है, ये लाओ ठीक है। क्या क्या बोला, क्या बोला, बोला क्या तू, एक से बोल। तीस 25 रुपए की टिकुली चूड़िया तो मुफ्त में मिल गई, छोटा दुकानदार एक डांट में ही सीधा हो। दोबारा बोला नहीं था।